नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आयुष अग्रवाल, आप देख रहे हैं स्मार्ट ट्रेडिंग एकेडमी। ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, जब बाजार में लिक्विडिटी नहीं होगी तो बाजार जाए तो जाए ऊपर कैसे। लगातार कुछ ट्रेडिंग सेशन से बाजार गैप अप ओपनिंग होता है नीचे आ जाता है, या गैप डाउन ओपनिंग हो ऊपर जाके फिर नीचे खिसक जाता है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है हमास और इसराइल युद्ध में जो लगातार युद्ध चल रहा है, वो युद्ध आने वाले दिनों में और बढ़ता नजर आ सकता है। सोना चांदी में तो तेजी आनी स्टार्ट हो गई, बट शेयर मार्केट यहां से खिसकना स्टार्ट हो गया। चाहे आप S&P फ्यूचर का चार्ट देख लो उठा के, चाहे डॉलर US 30 का देख लो, बाजार में करेक्शन है। और ये करेक्शन कितना आएगा इस वीडियो में आप पूरा समझेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखना ताकि पूरा एनालिसिस आप समझें। निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस सोमवार के मार्केट का और ऑप्शन डेटा FII डेटा भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें, बाजार आसमान से टपका खजूर में अटके वाली कहानी बाजार में हो गई है, और यहां से भी रुड़कने को कहीं ना कहीं तैयार है। तो बाजार में आपको क्या लगता है, मार्केट मंडे को कहां खुलेगा, मुझे कमेंट करके बताइए ताकि मैं भी समझ सकूं आप क्या सोच रहे हैं बाजार में। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का, फिर निफ्टी का। तो चैनल पे नहीं हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि सभी अपडेट्स आप तक तुरंत पहुंच सके। बट सबसे पहले एनालिसिस करते हैं FII DII डेटा का। FII DII डेटा हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है, देखो चार दिनों का डेटा आपके सामने लगा हुआ, 17, 18, 19, 20। पिछले दो ट्रेडिंग सेशंस का हम देखते हैं, FIIs ने बिकवाली करी 1000 करोड़ की, 1800 करोड़ की, इससे पहले थोड़ी 200-250 करोड़ की खरीदारी थी कैश में। कैश में लास्ट दिन को 456 करोड़ की खरीदारी करके गए हैं बाजार में। बट DIIs ने कुछ नहीं करा, DIIs घबराए हुए हैं। तो जनरली वैसे आप देखो तो लगातार खरीदारी करते हैं, बट अब की बार नहीं करा, कहीं ना कहीं बाजार में रिस्क जरूर है। अब इंडेक्स फ्यूचर का देख लो, इंडेक्स फ्यूचर में बिकवाली FIIs ने करी, स्टॉक फ्यूचर में भी बिकवाली करी, तो ओवरऑल मार्केट निगेटिव ही नजर आ रहा है कहीं ना कहीं। उससे पहले ट्रेडिंग सेशंस में देखो, 19 तारीख को फ्यूचर में बिकवाली, स्टॉक फ्यूचर में खरीदारी। तो नेट अगर ओवरऑल अगर आप देखो तो इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं क्योंकि हम इंडेक्स में ट्रेड करते हैं, तो ओवरऑल बाजार में बिकवाली पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से कर रहे हैं इंडेक्स फ्यूचर। तो एक निगेटिव साइन तो आपको ये मिल गया। बात कर लेते हैं ऑप्शन के बेसिस पे क्या सिग्नल बन रहा है, बाय का या फिर सेल का। बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो लोग सीख के समझ के ट्रेड करना चाहते हैं आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने ऑप्शन चेन लगा रखी है निफ्टी की, निफ्टी की ऑप्शन चेन अभी सेल बता रही है, सिग्नल सेल बन रहा है ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे। कॉल राइटिंग पुट राइटिंग, कॉल राइटिंग ज्यादा है 54.41, पुट राइटिंग कम है, ओवरऑल कॉल राइटिंग हो रखी है, यानी कि सेल सिग्नल बाजार में ओवरऑल अभी है अगले हफ्ते के लिए, जो मंथली एक्सपायरी है 26 तारीख की आई थिंक एक्सपायरी है। बैंक निफ्टी में बाय बन रहा है सिग्नल ओवरऑल, बट फिर भी बाजार निगेटिव बंद हुए, समझने की बात ये 45-54 ज्यादा डिफरेंस नहीं है बाजार में। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे सेल है, टोटल वाई के बेसिस पे बाय है, यानी कि कोई पिक्चर अभी यहाँ क्लियर कट नहीं समझ में आ रही, तो छोड़ देते हैं इसे। तो निफ्टी में हमें बात समझ में आ रही है, दोनों में सेल बनता हुआ नजर आ रहा है और मार्केट भी निगेटिव बंद हुआ। बैंक निफ्टी में अगर आप देखो बाय बन रहा है, बट ट्राई सेक्शन को ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको देनी है जो अभी हम एनालिसिस करेंगे। तो अब लेवल्स नोट कर लीजिए और वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखना। गैप डाउन ओपनिंग हुआ, ऊपर गया, नीचे आ गया, फिर साइडवेज हो गया। अब ये साइडवेज रेंज को निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है बाजार के लिए, तो मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे ड्रॉ कर रखे हैं, आप भी ड्रॉ कर सकते हैं सेम एज इट इज, वीडियो को पॉज करके भी 1, 2 और 3 पॉइंट ड्रॉ कर रखे हैं, ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गई। इसके बाद एक पॉइंट मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा 43,677, एक नीचे ड्रॉ 43,560। तीन चार सिनेरियो मार्केट में बन सकते हैं, क्या गैप अप, गैप डाउन, या बाजार फ्लैट ओपन होगा, और इससे ज्यादा क्या सिनेरियो बनेंगे। कोई सिनेरियो है तो कमेंट करके बताना मुझे। तो मार्केट मान लो गैप डाउन ओपन हो जाता है, पहले उस पर बात कर लेते हैं। गैप डाउन कितना, गैप डाउन या तो थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हो, 43,740 पे मार्केट की क्लोजिंग है, यहाँ पे क्लोजिंग आई है प्रीवियस डे क्लोज, इसे हम बोलते हैं
यहां से थोड़ा सा नीचे गैप डाउन ओपन हो जाए 40-50 पॉइंट, तो शॉर्ट साइड पोजीशन प्लान आप कर सकते हो इस लाइन के नीचे 43677 के नीचे। ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हो जाएगा इस ट्रेंड लाइन का, और ये जो बाउंस लगा के उठने की इसने कोशिश करी है 15 मिनट के चार्ट पे, ये लेवल भी ब्रेक कर देगा क्योंकि इसके नीचे स्टॉप लॉसेस लगे होंगे और प्रीवियस डे क्लोज के भी नीचे चलना होगा। तो इसके नीचे अगर सस्टेन करता है या प्राइस एक्शन बना के नीचे उतरता है तो शॉर्ट साइड पोजिशन आप प्लान कर सकते हो पुट साइड एंट्री। नीचे की तरफ लेवल्स आपको मिल जाएंगे, ये लेवल मिल जाएगा, फर्स्ट टारगेट तो आपका यही हो जाएगा जो लो है 19 तारीख का 43,570, और बाजार ने इसको भी अगर ब्रेक करके नीचे उतरेगा तो फिर बाजार में एक बड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। कहां तक आएगा, फर्स्ट लेवल बाजार में बनेगा 43,420, 43,360, और इसके भी नीचे बाजार अगर उतरा तो 43,230 रुपए का लेवल जो हमने फाइंड आउट किया है, हॉरिजॉन्टल लाइन भी मैंने दिखा रखी है 360, उसके नीचे 230 रुपए का लेवल आपको अगले हफ्ते बाजार दिखा सकते। अगर बाजार बहुत बड़ा गैप डाउन ओपनिंग कर दे, कितना बड़ा, 200 पॉइंट 250 पॉइंट, यानी कि 740 की क्लोजिंग है बाजार की, और बाजार ने गैप डाउन ओपनिंग कर दी 540 के आसपास, यानी कि 500 यहां बैठ रहा है, 540 इस लाइन के नीचे, इसके भी नीचे बाजार गैप डाउन ओपनिंग कर रहा है यहां कहीं इस जगह, तो एक बार को वहां पर शॉर्ट साइड पोजीशन प्लान कर सकते हैं मोमेंटम पे विद स्टॉप लॉस। तो यहां पे आप शॉर्ट साइड पोजीशन प्लान करोगे, स्टॉप लॉस इसके ऊपर का आप लगा सकते हो, नीचे की तरफ दोबारा आपको लेवल मिल जाएंगे 420, 360 और 230 तक भी जा सकता है अगर 360 का लेवल ब्रेक कर देता है 43,360 का लेवल। दूसरा सिनेरियो बाजार में क्या हो सकता है, बाजार गैप अप ओपनिंग हो जाए 43,798, आपने देखा मल्टीपल टाइम यहां से रिजेक्शन आई, एक बार रिजेक्शन, दो बार रिजेक्शन, तीन बार रिजेक्शन, चार पांच बार रिजेक्शन, तो इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग हो रही है बाजार में, तो एक मोमेंटम बाजार ऊपर का पकड़ सकता है और यहाँ पे कॉल साइड एंट्री प्लान कर सकते हैं 43,800 के ऊपर बुलिश प्राइस एक्शन बनता है तो। टारगेट 43,900 फर्स्ट लेवल बाजार के लिए रहेगा, इसके ऊपर निकलेगा तो 44,000 एक रेसिस्टेंट, स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है जहां से एकदम सेलिंग आ भी सकती है बाजार में। अगर बाजार 43,900 के आसपास खुल जाता है, बहुत बड़ा गैप अप ओपनिंग हो गया 250 पॉइंट ऊपर यहाँ पे, और दोबारा उस 5 मिनट के कैंडल का लो काट रहा है बाजार, तो कहीं ना कहीं बाजार में दोबारा सेलिंग प्रेशर आ रहा है, जैसा पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में आपने देखा गैप अप हुआ नीचे आ गया, तो वहां पे भी शॉर्ट साइड पोजीशन आपको बेयरिश प्राइस एक्शन अगर मिल रहा है तो पुट साइड एंट्री प्लान करी जा सकती है बाजार में, या फिर आपके पास सेटअप है तो सेटअप पे करें। नीचे की तरफ फर्स्ट लेवल आपका 43,600, 43,675, 43,570 रुपए के लेवल दिखा सकता, और नीचे की लेवल्स ऑलरेडी मैं आपको बता चुका। तो ये है बैंक निफ्टी के टेक्निकल लेवल्स, और ऑप्शन चेन क्या कह रही है बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन के बेसिस पे अगर आप देखो 31 पॉइंट माइनस में 723 के आसपास बाजार ने क्लोजिंग दी इस जगह 43,723, यहां ओपन इंटरेस्ट लगभग बराबर, यहां भी बराबर ही है, ग्रीन में कॉल है, रेड में पुट है ओपन इंटरेस्ट। यहाँ पे अगर आप देखो तो डबल ओपन इंटरेस्ट है, पुट का ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, तो एक सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा है 43,600 वर्क एज ए सपोर्ट। ऊपर की तरफ रेसिस्टेंस देखें 43,900 रेसिस्टेंस, इट विल एक्ट एज ए रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस की तरह वर्क करेगा 43,900, मैंने आपको बताया भी 43,900 को फर्स्ट आएगा, और 43,900 के आसपास खुल गया वहां से सेलिंग प्रेशर आ रहा है तो शॉर्ट साइड पोजीशन। बहुत ज्यादा बाजार अगर नीचे खुल जाए 43,500 या 43,500 पर आपको पता कितनी ज्यादा ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, तो यहाँ पे इसके नीचे स्टॉप लॉसेस लगे होंगे 43,500 के नीचे, तो 43,500 को भी तोड़ के बाजार नीचे जा रहा है तो पुट साइड एंट्री बनानी बनानी है, क्योंकि स्टॉप लॉसेस कटेंगे जल्दी जल्दी वाइंड अप करेंगे तो आपको और प्रॉफिट मिलेगा। तो ये पोजीशन आपको देखनी है 43,900, जहां पे एक बड़ा मोमेंटम आपको कैप्चर करने का मौका मिल सकता है बाजार में। अब बात कर लेते हैं निफ्टी की, निफ्टी में भी आप देखो वही पोजीशन, सेल साइड सिग्नल ओवरऑल बनता हुआ नजर आ रहा है अगले हफ्ते के लिए एक्सपायरी पे। बाजार ने अगर आप ध्यान से देखें 82 पॉइंट माइनस में बंद हुआ 19,542, यानी कि यहाँ पे क्लोजिंग आई है बाजार की,
और 50 पॉइंट ऊपर रेसिस्टेंस, 50 पॉइंट नीचे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। पुट का ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, ये बड़ा ग्राफ है ग्रीन वाला, यहाँ पे बड़ा ग्राफ है, तो यहाँ पे कॉल राइटिंग हो रखी है, यहाँ पे पुट राइटिंग हो रखी है, तो ये सपोर्ट ये रेसिस्टेंस। तो निफ्टी में तो क्लियर तक समझ में आ रहा है, 50 पॉइंट ऊपर 50 पॉइंट सपोर्ट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये ब्रेक हुए तो बड़ा मोमेंटम फिर बाजार में आएगा। और ये स्पॉट के चार्ट पे एनालिसिस कर रहे हैं, 19500 तोड़ेगा तो नीचे, 19600 तोड़ेगा तो ऊपर, 19650 तक जाएगा। लेवल नोट कर लो ऑप्शन के बेसिस पे। और जो लोगों ने शॉर्ट्स वीडियो नहीं देखी, शॉर्ट्स वीडियो पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से मैं डाल रहा था यूट्यूब पे, लॉन्ग वीडियो नहीं आई, तो अब दोबारा लॉन्ग वीडियो आनी स्टार्ट हो जाएगी, तो शॉर्ट वीडियो आप जरूर देखा करें। चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब निफ्टी के टेक्निकल चार्ट्स पे चलते हैं। निफ्टी बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन फेज में फंसा हुआ नजर आ रहा है, बड़ा फॉल तो इसने दिखा दिया। बाजार ने सपोर्ट लिया 19,517 का, ऊपर एक रैली दिखाई ऊपर की तरफ, यहाँ तक गया 19,690 तक गया जी, यहाँ तक गया भी बाजार, नीचे आके फिर इस रेंज में घूम गया एक दो, और यही कंसोलिडेट हुआ। देखो इस रेंज को निकालना इंपॉर्टेंट है, तभी कुछ होगा, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता बाजार का। कौन सी रेंज? ये वाली रेंज, ऊपर की तरफ 19600 और नीचे की तरफ 19500। 19500 रफ लेवल ले रहा हूं मैं, 19517 पे वैसे लाइन ड्रॉ कर रखी है, क्लोजिंग 19541 की। अब आपको पता है 50 पॉइंट नीचे सपोर्ट भी है, तो यही सपोर्ट, और 50 पॉइंट ऊपर रेसिस्टेंस भी है, तो ऑप्शन के बेसिस पे भी वही बन रहा है और टेक्निकल के बेसिस पे भी कंसोलिडेशन है, तो इस रेंज को निकाले तभी है। ट्रेंड लाइन तो मैंने ड्रॉ कर दी है, पर ट्रेंड लाइन यहाँ पे फेल हो सकती है, थोड़ा बहुत मोमेंटम मान लो बाजार गैप अप ओपनिंग हो गई बाजार की भी, तो स्कैल्पर्स तो जीत सकते हैं, आप होल्ड करे बैठे रहोगे तो नहीं जीत पाओगे बाजार में, तो फास्ट मूवमेंट फास्ट हार्ट चलाना पड़ेगा। फास्ट मूवमेंट जब बाजार में होगी, गैप अप ओपनिंग हो रही है बाजार में, इसको रफ कर देता हूँ तो ज्यादा क्लैरिटी आपको आएगी। यहाँ पे इसके ऊपर निकलेगा ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो एक मोमेंटम मिल सकता है आपको 19600, और 19600 भी अगर क्रॉस करे तो स्टॉप लॉसेस कटेंगे ऑप्शन कॉल सेलर्स की। बाजार जाएगा 19650, ये जो लेवल मैंने ड्रॉ भी कर रखा है, यहाँ पे एक पॉज लिया बाजार ने, रुका फिर एक फॉल आया, तो एक सप्लाई जोन यहाँ पे बैठा है, उसके ऊपर फिर 19690 लेवल आपको देखने का मौका मिल सकता है, 19690 19750। बाजार अगर गैप अप ओपनिंग दे दे, बहुत ज्यादा गैप अप ओपनिंग दे दे, कहां पे गैप अप 19650 के आसपास दे दे गैप अप ओपनिंग, इस जगह के आसपास आके दोबारा 19600 के नीचे उतरे, तो भी शॉर्ट साइड पोजीशन प्लान बाजार में की जा सकती है, अगर आपको बेयरिश परसेप्शन वहां पे मिल रहा है। नीचे की तरफ लेवल्स आपको मिल जाएंगे 19520 और 19520 500 लेवल थोड़ा तो नेक्स्ट सपोर्ट बाजार में नजर आता है 19430 का, 19430 नेक्स्ट लेवल बाजार के लिए अगर ऊपर जाके ऐसे घूम रहा है। गैप डाउन ओपनिंग हुई बाजार, मान लो गैप डाउन ही ओपन हो गया, सपोज गैप डाउन हो गया, कितना गैप डाउन क्वेश्चन ही आता, 100 पॉइंट तो नॉर्मली हो ही जाता आपको पता है, 540 है 440 के आसपास हो गया बाजार, यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हो गया, तो आपको वेट करना है कहीं ना कहीं 430 का भी लेवल ब्रेक कर दे, ठीक है 430 ब्रेक करे तब, या फिर मान लो 80-90 पॉइंट गैप डाउन ओपनिंग हो रही है, तो क्लियर कट साइन है बाजार में सेलिंग सिग्नल है। इस रेंज को तो इसने निकाल दिया ना, इस रेंज को, और 519-500 में जो पुट राइटर्स बैठे हुए हैं उनके भी स्टॉप लॉसेस जाएंगे, वो भी अपनी पोजीशन अनवाइंड करेंगे फटाफट, तो करेंगे तो बाजार और नीचे जाएगा। आपको 19430 लेवल मिल सकते हैं, इसके नीचे फिर लेवल मिल रहा है 19350 और 19350 के भी नीचे फिर बाजार में लेवल बनता हुआ नजर आता है 19250 का। तो ये पिक्चर बाजार की आपको समझ में आ रही है, ओवरऑल सिग्नल बियरिश है, चाहे आप डेली चार्ट उठा के देख लें, वन आर का चार्ट उठा के देख लें, दूर दूर तक कुछ नहीं, डूबता हुआ जहाज उड़ा बिल्कुल। कोई क्वेश्चन है कोई दुविधा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करना ना भूलें। और आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में बाजार किस डायरेक्शन में जाएगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि हमें पता लग सके आप क्या सोच रहे हैं, बुलिश या बियरिश बाजार में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। It's not a game, it's a rich